साल 1968, वैज्ञानिकों के पास एक खबर पहुंची कि भारत में कैलाश के अलावा एक ऐसा पर्वत है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, और जो भी चढ़ता है वो एक तय सीमा के बाद जाते ही पत्थर का बन जाता है। इस खबर को सुनते ही वैज्ञानिकों ने इस पर शोध करने की सोची। फिर बाद में एक पर्वतारोहियों के दल को इस पर्वत पर चढ़ने के लिए भेजा गया। पर्वतारोहियों ने जैसे ही पर्वत पर चढ़ाई करनी शुरू की, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। फिर बाद में कई पर्वतारोहियों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, परंतु सबके साथ कुछ ऐसा हुआ कि बाद में जाकर सन 2000 में इस पर्वत पर चढ़ने से पूरी तरीके से सरकार ने रोक लगा दी। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस पर्वत के ऊपर एक दिव्य प्रकाश हर सुबह दिखाई देता है, और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लोग इस प्रकाश को शेषनाग की मणि कहते हैं, जो भगवान शिव इसे धारण करके अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। दोस्तों, जब ये प्रकाश दिखाई देता है तो पूरा का पूरा आकाश नीला हो जाता है, और जिसे देखते ही लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आखिर इस पर्वत के ऊपर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? आखिर इस पर्वत पर चढ़ते ही पर्वतारोहियों को ऐसा क्या होता है जो दोबारा कोई इस पर्वत पर नहीं चढ़ता? आखिरकार सरकार ने इस पर्वत पर चढ़ने से क्यों रोक लगा दी? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा नगर से मात्र 85 किलोमीटर दूरी पर बसा है मणिमहेश। चंबा को शिव भूमि के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव इन्हीं पहाड़ियों में निवास करते हैं। हजारों वर्षों से श्रद्धालु इस मनोरम शैव तीर्थ की यात्रा करते आ रहे हैं। यहाँ मणिमहेश नाम से एक छोटा सा पवित्र सरोवर है, जो समुद्र तल से लगभग 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मणिमहेश पर्वत के शिखर पर भोर में एक प्रकाश उभरता है, जो तेजी से पर्वत की गोद में बनी झील में प्रवेश कर जाता है। ये इस बात का प्रतीक माना जाता है कि भगवान शंकर मणिमहेश पर्वत पर बने आसन पर विराजमान होने आए हैं, तथा ये अलौकिक प्रकाश उनके गले में पहने शेषनाग की मणि का है। इस दिव्य अलौकिक दृश्य को देखने के लिए यात्री अत्यधिक सर्दी के बावजूद भी दर्शन हेतु बैठे रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज तक इस पहाड़ी की ऊंचाई को कोई नहीं नाप पाया। कहते हैं कि इस पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो भी ऊपर एक तय सीमा के पार गया वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। स्थानीय लोग व बुजुर्ग कहते हैं कि भले ही एवरेस्ट पर लोग चढ़ गए हों, लेकिन इस पहाड़ पर चढ़ना इतना आसान नहीं है। कहते हैं कि एक बार एक चरवाहा अपने भेड़ों को लेकर इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। उसने ये प्रण लिया था कि वो इस पर्वत की हर सीढ़ी पर एक भेड़ की बलि देगा, मगर चोटी पर पहुंचने से पहले ही ये पत्थर में बदल गया। इसके साथ ही जो भेड़ी थी वो भी पत्थर की बन गई। इससे कुछ मिलते जुलते पत्थर आज भी यहाँ पर पड़े हैं। मणिमहेश उन बिरले पहाड़ियों में से है जो आज भी अजय है। इस पर चढ़ने की तमाम कोशिश नाकाम तो हुई, लेकिन कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों की राय में इस पर्वत की जटिल संरचना और यहाँ का भौगोलिक वातावरण ही इसे अजय बनाता है। सन 1968 में भारत जापानी महिलाओं के एक दल ने नंदिनी पटेल की अगुवाई में मणिमहेश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ दूरी जाने के बाद ही अचानक भूस्खलन शुरू हो गया, जिसकी वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई। बाकी के लोग मुश्किल से जान बचा पाए। फिर कुछ साल बाद इटली के एक दल ने भी इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन एक तय सीमा तक जाते ही वे सभी डरकर वापस आ गए। मणिमहेश के पुजारियों के अनुसार सन 2000 में संचुई के तीन युवकों ने भी मणिमहेश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वे भी जिंदा नहीं बच पाए। इसके बाद फिर यहाँ पर चढ़ने की किसी ने कोशिश नहीं की। वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों के मुताबिक मणिमहेश की विशिष्ट संरचना पर्वतारोहण के प्रतिकूल है। कई पर्वतारोहियों ने बताया कि यहाँ बर्फ के नीचे दबी चट्टानें बहुत नाजुक है। दिन में यहाँ पर कई बार भूस्खलन होना आम बात है, यहाँ तक कि यहाँ पर किसी के चढ़ने की पुष्टि भी नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के ज्योग्राफी के प्रोफेसर ने बताया कि मणिमहेश हिमालय पर्वत का ही भाग है। इसका निर्माण सेडिमेंटरी रॉक्स यानी
अवसादी शैल से हुआ है जो टेक्टोनिक प्लेट से टकराने के कारण पृथ्वी की सतह से बाहर निकली है। बाहरी बल के प्रभाव में आने से ये चट्टान बेहद कमज़ोर हो चुकी है, इसी वजह से इन पर चढ़ पाना संभव नहीं है। दोस्तों ये तो हो गई वैज्ञानिकों की बात, लेकिन भारतीय प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार ये पर्वत महादेव का स्थान है। यहाँ ऐसी कई जगह हैं जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती के आने के सबूत मिलते हैं। भगवान शिव स्वयं यहाँ पर मणि के रूप में अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं, और जब ये मणि के प्रकाश आकाश में फैलती है तो पूरा का पूरा आकाश नीले रंग का हो जाता है, और तब ये पर्वत कोई सामान्य पर्वत नहीं लगता। दोस्तों आपका क्या कहना है इस पर्वत के बारे में? क्या सिर्फ भौगोलिक संरचना के कारण ही इस पर्वत पर चढ़ पाना संभव नहीं है? जिन पर्वतारोहियों ने बड़े बड़े और खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ाई की है वे मणिमहेश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाते? क्या इस पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं और वे नहीं चाहते कि कोई उन तक पहुँचे? दोस्तों आप सभी का क्या विचार है मणिमहेश पर्वत के बारे में? अपने सभी विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।